राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में गड़बड़ी के मामले को लेकर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ समिति की बैठक होनी है। इससे पहले आज एबीवीपी के प्रत्याशी राजपाल चौधरी के साथ एनएसयूआई प्रत्याशी रणवीर सिंघानिया ने चुनाव परिणाम को लेकर आपत्ति प्रस्तुत की। उन्होंने यूएम केस वाला फोरम 39 और अन्य दस्तावेजों को आपत्ति पत्र के साथ डीएसडब्ल्यू को प्रस्तुत किया। साथ ही डीएसडब्ल्यू से जवाब मांगा कि यूएम केस होने के बावजूद विनोद जाखड़ को चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों दी गई। वहीं इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आर के कोठारी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के लिए ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया है। इसमें चुनाव अधिकारी प्रोफेसर विजय वीर सिंह को भी जोड़ा गया है। फिलहाल विजय वीर सिंह अवकाश पर देश से बाहर गए हुए हैं। उनके आने पर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में जाँच रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद ही उपयुक्त फैसला लिया जाएगा। हालांकि छात्र नेताओं ने ग्रीवेंस कमेटी में शामिल डीएसडब्ल्यू डॉक्टर सरीना कालिया को भी हटाने की मांग की है, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष विनोद जाखड़ पर परीक्षा में किसी और को बैठाकर परीक्षा दिलवाने का आरोप है। साल 2016 में शोध छात्र प्रतिनिधि रविंद्र भी निर्वाचित हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी शिकायत हुई तो जाँच कमेटी ने उन्हें दो पाठ्यक्रम में एक साथ प्रवेश लेने के मामले में पद से हटा दिया था। हालांकि विश्वविद्यालय ने दोबारा चुनाव नहीं करवाए थे। ऐसे ही इस बार भी हो सकता है, जिसमें अगर शिकायत सही पाई जाती है तो वर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष की कुर्सी भी जा सकती है। ऐसे में विश्वविद्यालय के लिए फिर दोबारा चुनाव कराना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसका एक कारण आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता भी है। राहुल भारद्वाज, डीवी न्यूज़, जयपुर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय में 31 अगस्त को छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, 11 सितंबर को छात्र संघ चुनाव के परिणाम आए, राजस्थान विश्वविद्यालय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम 21 दिन के अंदर आपत्ति लगाने का हमें हक है। हमने 21 दिन के अंदर अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से आपत्ति के माध्यम से जवाब मांगा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में विनोद जाखड़ जिस प्रकार से अध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने जो खुद का नामांकन पत्र भरा उसमें जो तथ्य और जो जानकारी दी कि मैं एक अपराधी हूं और मुझे न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, तो उसमें विनोद जाखड़ ने खुद ने माना है कि मैं एक अपराधी हूं और न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो स्क्रूटनिंग कमेटी बनी है डीएसडब्ल्यू, उन्होंने फॉर्म को रद्द नहीं किया, तो हमने इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में 1 अक्टूबर को जब भी एप्लीकेशन दी, तो उसके माध्यम से हमें 3 तारीख को ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग हुई, हमें बुलाया डीएसडब्ल्यू में और हमें एक लेटर दिया कि आपने 21 दिन क्यों आपत्ति लगाई। तो हमने राजस्थान विश्वविद्यालय डीएसडब्ल्यू को एक लेटर के माध्यम से आज जवाब दिया है कि मैडम, जिस प्रकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कानून के हिसाब से हमें 21 दिन के अंदर जवाब हम आपत्ति लगा सकते हैं, तो हमने आज हमने 1 तारीख को आपत्ति लगाई और हमने इसका जवाब मांगा है कि आपने फॉर्म रद्द क्यों नहीं। 21 अगस्त को छात्र संघ चुनाव हुए, 11 तारीख को रिजल्ट आया। जिस प्रकार 31 अगस्त को छात्र संघ चुनाव हुए, उसमें उससे पहले नामांकन फॉर्म भरा गया था, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय ने डीएचडब्ल्यू के द्वारा एक ऐसे अपराधी का नामांकन रद्द नहीं किया जिसने खुद ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मैं एक अपराधी हूँ। उसके बाद डीएचडब्ल्यू जो चुनाव प्रभारी है, जो चुनाव अधिकारी है, उनके द्वारा छात्र संघ चुनाव का जो फोरम था उसको रद्द नहीं किया गया। उसके बाद एक ऐसे प्रत्याशी को छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया जो एक अपराधी है। ये पूरी चाल राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की है। जिस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान में लिखा हुआ है कि हाँ करते ही जो अपराधी है उसका फोरम रिजेक्ट होता है, ये आगे बाद की कार्रवाई होती है कि इसका फोरम रिजेक्ट क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये आगे कार्रवाई होती है। लेकिन हाँ करते ही एक अपराधी ने स्वीकार किया है कि उसका फोरम रिजेक्ट हुआ है, उसको उसके बाद भी उसका फोरम स्वीकार किया है, एक अपराधी को छात्र संघ अध्यक्ष बनाया गया है। ये सारी प्रक्रिया राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रशासन की है, जो एक जो उससे मिली भगत है कमेटी है उसको मामला सौंप दिया गया है, तो मैं कोई भी टिप्पणी इस पर नहीं करूँगा। वो समिति गहनता से जांच कर रही है और उसमें स्पेशल इन्वाइटी प्रोफेसर विजयवीर सिंह जी को मैंने डाला है, वो अभी कनाडा गए हुए, 8 या 9 तारीख को लौटाएंगे, अंतिम निर्णय उसके पास। सर, जोधपुर यूनिवर्सिटी ने भी यूएम के इस मामले में बर्खास्त किया अपने प्रत्याशी, लेकिन मैं वहाँ का पूरा मामला क्या है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा।
मैं यहाँ के मामले में कोई टिप्पणी करना नहीं, लेकिन अगर न्यायालय ने दोषी करार दिया है उस कंडीशन में आपको लगता है कि मामला कुछ बंद, न्यायालय ने दोषी करार नहीं दिया है, ये आंतरिक जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत अगर कुछ हुआ है तो मेरी पूरी उसकी जाँच की जा रही है, इसलिए न्यायालय का कहीं इसमें सर तो तब भी किसी तरह की संभावना कि दोबारा चुनाव होएंगे, किसी तरह की भी संभावना है, दोषी आते हैं इस तरह का आरोप जो सही साबित हो, अगर कमेटी दोषी तय करती है ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कुछ कहा जा सकता है, अभी कहना प्रीमैच्योर होगा।